योगा क्लास खत्म, हास्य योग शुरू हो जाता है ना। हरदम पूछते रहते हो मोटा मोटा, मोटे हो गए मोटे हो गए। तो मोटे के लिए एक सबसे बड़ी आसन बता देती हूँ, एक बार दाएं करो, एक साथ दाएं, दाएं कहाँ है, एक बार दाएं गर्दन, एक बार बाएं, फिर करो दाएं बाएं, दाएं बाएं। अच्छा ये कब करनी है पता है? जब को खाने के लिए पूछे ठीक है ना, नंबर एक कितनी बड़ी आसन। ठीक एक आज से नहीं। अच्छा सुनो ये रसगुल्ले हमारी संतोष बहन जी ने मकान लिया है तो वो रसगुल्ले लेके आई हुई है। दिखाओ भाई डिब्बा तो दिखाओ, रसगुल्ले का डिब्बा देखो। अच्छा एक बार है ना दो दोस्त थे रात को, हाँ देखो संतोष के हाथ में डिब्बा है रसगुल्ले है उसमें। तो दो दोस्त थे तो कूने लड्डू रख लिए रात को, अब बोले भाई सुबह जब खाओगे जब जिसने सब तब बढ़िया सपना होगा। और हनुमान के भक्त थे दोनों, तो एक बोला सुबह उठे बोला रहे आप अपना सपना बताओ दोनों। पहले वाला बोला मेरा न्यू आया वो तो बढ़िया सपना बताया, मैंने हनुमान ले गया पकड़ कर और कति राम के दर्शन करवाए माता सीता के। तो बोला भाई तेरा तो बहुत बढ़िया सपना आया। बोला तेरा क्या आया? बोला मेरे तो सपने में हनुमान जी आया और बोला गदा ठाकर मेरा दे मारी ने, बोला उठ लड्डू खा। बोला भाई मैं तो डर के मारे सारे लड्डू खा लिए। देख ले भी ये हास्य आसन था हमारा। आज ही संतोष बहन जी को बहुत बहुत बधाई नए मकान की। चलो भाई देखो तनाव भरी जिंदगी में हंसना जरूरी है। ठीक है एक ठाका वैसे लगा दो सिमी जी। लो जी उनके फोन आ गया। चलो जी वापस ठीक है जी, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, सब स्वस्थ रहो मस्त रहो।